अस्सलाम वालेकुम, सत श्रीकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से, दिल से राम राम। काफी टाइम हो गया वीडियो, एक हफ्ते से ऊपर हो गया वीडियो डालने, लेकिन आज सोचा था कि मैं आपको पहले भी बताया था, जब भी वीडियो आएगी धमाकेदार वीडियो आएगी और कुछ ना कुछ शानदार वीडियो में लाऊंगा। तो आज मैं ऑफिस में था तो सोचा कि चलो कुछ वीडियो डाल दी जाए और कुछ नॉलेज दे दी जाए कि आजकल मार्केट में बड़ा हंगामा चल रहा है बाइक राइडर। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ बाइक राइडर ही जॉब रहेगी, तो चलो बाइक राइडर के बारे में कुछ नॉलेज दे दूं और किस तरह काम चल रहा होता है। ये अपना ऑफिस है, इस ऑफिस में क्या चल रहा होता है, ये अपने लड़के हैं कुछ, क्योंकि अब बहुत से लोग कह देते हैं कि विजय भाई आपके इतने लड़के उतरे हैं, इतने लड़के आ रहे हैं, तो सिर्फ आप तीन बंदे दिखा रहे हैं या चार बंदे दिखा रहे हैं। भाई हर बंदे को बुलाना बड़ा मुश्किल होता है, जब मार्केट में काम पे चले जाते ना लड़के, तो उनको ये कह देना कि भाई एक घंटे के लिए आ जाए, तो वो पता बंदा क्या सोचता है, यार एक घंटे में चार डिलीवरी मारूंगा, सीधे सी मारूं विजय की, मैं क्यों जाऊँ। तो हर बंदा कमाने के लिए आया कि विजय की वीडियो में खड़ा होने के लिए नहीं आया, तो पहला तो ऑप्शन ये खत्म कर दूं मैं, जो लोग बार बार कहते हैं। अब दूसरी चीज मैं बता दूं कि क्या चल रहा है मार्केट में बाइक राइडर्स को लेके। हाँ, बाइक राइडर चाहिए और अच्छे खासे चाहिए, लेकिन अभी कंपनियां जिन लोगों पर इन्वेस्ट कर रही है वो किस तरह के लोग हैं, जिनके पास लाइसेंस है। पहले बड़ा चल रहा था कि बहुत सी मार्केट में कंपनियां आई हैं, छोटी मोटी बहुत सी चीजें आई हैं कि हाँ भाई बाइक राइडर कंपनी, हमें भी बंदे चाहिए, हम इन्वेस्ट करेंगे। आज खज्जल हो रहे हैं क्योंकि दो तीन महीने लग जाते हैं, ऐसा नहीं एक डेढ़ महीने में। शुरुआत में कहें कि अगर किसी के कोई बड़ी कंपनी है जिनके पास अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है स्कूल के साथ, तो वो एक डेढ़ महीने में लाइसेंस निकाल देते हैं। कुछ के पास इन्वेस्ट खत्म हो गया, कुछ इंडिया की फ्लाइटें बंद है, कुछ पाकिस्तान की फ्लाइटें बंद है, तो जिनके पास अच्छा इन्वेस्ट है वही बंदा मार्केट में अभी खड़ा है। तो मैं बता देता हूँ कि इनका इंटरव्यू भी ले लेता हूँ कि कैसे मार्केट में चल रहा है हालचाल और कहाँ कहाँ का इनका जोन है, कैसे क्या चल रहा है। क्या नाम है? बाबर हुसैन। थोड़ा जोर के बोल यार, कुछ खाया नहीं क्या? बाबर हुसैन। आप? हामिद। मोहम्मद। कहाँ से हैं? पाकिस्तान। तीनों? एक्चुअली क्या है ना कि दुबई के अंदर एक चीज मैंने नोटिस की है कि इंडिया के मुकाबले पाकिस्तानी बाइक राइडर ज्यादा है, और मैंने कुछ लड़के उतारे भी थे इंडिया में। क्या कहना कि वो कहते हैं ना कि थोड़ा डरते हैं, पाकिस्तानी लड़के मार्केट में ज्यादा काम कर रहे हैं, तो भाई इंडिया वालों थोड़ा सा हौसला बनाओ, दिल मजबूत करो, ताकि पाकिस्तान वालों के साथ टक्कर ले सको। ये क्या है यार, तुम बाइक नहीं चला सकते रोड पे 100 से ऊपर? तो चलो बात करते हैं कि आज कितनी डिलीवरी हुई आपकी? 20 होगी। कितने घंटे हो जाएंगे? 20 16 20 हो जाएंगे। 16 हो गई है, 20 हो गई, 20 करके जाना, 20 करके जाना है। कितने घंटे हो गए? 10 घंटे। आपका 6 घंटे में 10 हो गए। 6 घंटे में 10, अगर 12 घंटे की शिफ्ट करता है 12 20, तो वो कहते हैं ना कि भाई ड्राइवर एक ऐसी लाइन है जितना रोड पे भागेगा उतना पैसा है, क्योंकि ना तो इनके सर के ऊपर ओनर बैठा है, ना इनका सुपरवाइजर बैठा है, ना ही कोई इनको देखने वाला है। तो मेहनत इन्होंने करनी है। कोई कहता है कि भाई विजय भाई मैं बहुत मेहनत की है और सिर्फ 20 ही डिलीवरी की है, 25 ही की है, तो भाई जितना रोड में भागोगे उतना पैसा है। अभी कितनी हुई है? मेरी 12 हो गई है, 6 घंटे। 6 घंटे में 12, तो भाई मेहनत है ना। क्या होता है कि नया जब बंदा उतरता है मार्केट में, उसको लोकेशन का थोड़ा सा पता नहीं होता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक दो महीने बाद जैसे जैसे वो मार्केट का सब पता चलता है कि क्या है ना, एक बंदा जा रहा है लोकेशन के हिसाब से सीधा सीधा, लेकिन ये पुराने बंदा इनको पता है कि साला शॉर्टकट मार के इधर से 2 मिनट में पहुंच जाना है, जो 10 मिनट का रास्ता है। तो ये फर्क पड़ता है, मार्केट में पैसा है ड्राइविंग लाइन में और डिलीवरी में तो अच्छा खासा पैसा है। अब बेसिक और फिक्स में और कमीशन में क्या फर्क है? कमीशन में काम क्यों, कमीशन पे काम कर रहे हैं, फिक्स में क्यों नहीं कर रहे? फिक्स वाले बहुत पकाते हैं, डील बहुत करते हैं। फिक्स वाले बहुत भगाते हैं, जलील बहुत करते हैं। तो थोड़ा जोर के बोल दो, थोड़ा सा आवाज नहीं पहुंच रही होगी। कैसे? बस ऑर्डर उनके लंबे होते हैं, ऑर्डर लंबे होते हैं, 1.5 घंटा 1.5 घंटा पहले भी जाना पड़ता है लास्ट में। फिक्स में क्या है ना कि फिक्स में जो सैलरी मिल रही होती है 2800 प्लस 400, मतलब 3200-3300 तक मिल रही होती है, और 10-11 घंटे की ड्यूटी होती है, तो फिक्स उनके लिए प्रॉफिट है। कि जिनको लोकेशन ज्यादा नहीं पता कि हाँ भाई चलो जितनी भी डिलीवरी हो जाए फिक्स में 10 घंटे ड्यूटी करनी करनी है, लेकिन कमीशन बेस का क्या पता है कि जिनको लोकेशन अच्छे से पता है कि हाँ फटाफट जाके लोकेशन पे पहुंचा सकते हैं सामान, ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी कर सकते हैं, उनको पता है कमीशन बेस पे। कमीशन बेस में क्या चल रहा है? पर डिलीवरी साढ़े सात चल रहा है भाई। ऐसा नहीं है कि विजय खुद मुंह से बोल रहा है, लड़कों से बुलवा रहा है और अच्छा खासा कमाई कर भी रहे हैं लड़के। घर कितना भेज देते तू? 1 लाख से 1 लाख। वो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि भाई लड़के के कमाने का फायदा तब है कि जब बाप जाके मैनेजर के बैंक मैनेजर की छाती में जाके हाथ मार के बोले कि ला मेरे लड़के की सैलरी है ये निकाल के दे, तब लड़के का बाहर आउट ऑफ कंट्री जाके कमाने का फायदा है। तो ये चीज है कुछ जो मैंने दिखाना था भाई। वीजा हम दे रहे हैं, जो लड़के इंडिया से आने वाले हैं उनको लाइसेंस भी हम प्रोवाइड कराएंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें भी लाइसेंस बनने में,
जो लड़के दुबई के अंदर प्रेजेंट में है लाइसेंस होल्डर, जो अपनी कंपनी से परेशान है या फिर जैसे भी है कैंसल पे, वो आके डायरेक्टली ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो ये लड़के भी काम कर रहे हैं, और आप आएंगे, आ जाए जरा, 2 मिनट लगेंगे, आ जाए। तो मैं आपकी एक अपने हैं जो मैनेजर जो पूरी टीम संभाल रहे हैं उनसे इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। कितने अपने बाइक राइडर अभी प्रेजेंट में आपके पास हैं? 600 प्लस बाइक राइडर हैं, और टारगेट दिसंबर तक 5000 प्लस का है। तो वो ऊपर वाले का रहम रहा और दिल और अपनी टीम मजबूत रही, तो ये कर देंगे हम दिसंबर तक। तो अभी सब कुछ मैनेज चल रहा है, बढ़िया जबरदस्त चल रहा है। अभी कितने लड़के आपको चाहिए? सर हमारा तो टारगेट 5000 का है ना, अभी तो हायरिंग जल्दी जा रही है। जैसे कि अपने पास ये वीडियो देख के लड़के आ रहे हैं जी, आ जाते हैं, कितने टाइम में आप वीजा दे दो? विद इन 1 मंथ, 15 डे 20 डेज, वीजा का प्रोसेस हमारा फास्ट है। एक्चुअली मैं बता दूं कि इनके साथ मेरा भी टाई अप है, मेरा भी एक छोटा सा कंपनी का है, छोटा नहीं है बड़ा है आपका भी सर, ठीक है? तो वो इनके साथ टाई अप है, तो मेरे भी लड़के इनके अंडर ही काम कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, और क्या कहते हैं कि एक सहारा मिल जाता है। तो इनके पास अच्छे खासे राइडर हैं, तो भाई क्या है ना कि सारा मिल गया तो मिल गया, कुछ लंबा बड़ा करें। तो दिसंबर तक अपना टारगेट है, जो इंडिया पाकिस्तान से आना चाहते हैं वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करें, वीडियो के नीचे नंबर होंगे, और ये पूरी टीम देख रहे होते हैं यहाँ, और ये लड़के शहजादे काम कर ही रहे हैं, तो ज्यादा लड़के नहीं बुला सकता था। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अगला जो मेरा बैच है ये जल्दी उतरने वाला है, तो बुकिंग कर सकते हैं, बुकिंग के लिए मेरी टीम के नंबर नीचे वीडियो में होंगे। बस इतना ही कहूंगा।